हेलो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मटका कैलकुलेशन पे तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छः तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में तो छः तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन्स बोलना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि हमने चार तारीख के लिए कल्याण के लिए स्ट्रोंग उडसी गेम में यहाँ पर देखिए वन गेम के बारे में बात किया था तो जैसे कि यहाँ पर चार तारीख के गेम में जोड़ी गेम में एट्टीन का जोड़ी गेम बना था तो स्ट्रोंग ओडिसी गेम से वन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है तो आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन्स जैसे कि हमने चार तारीख़ के लिए स्ट्रोंग ओडिसी गेम में वन गेम के बारे में बात किया था तो स्ट्रोंग ओडिसी गेम से वन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है तो आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन्स तो अगर अभी तक आपने चार तारीख का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छः तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में तो छः तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और जो मैं आप लोगों को छः तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर छः तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो गेम देखने से पहले लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो गेम देखने से पहले लाइन देखने से पहले गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए जो गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा इसकी मत कीजिएगा और जहाँ जहाँ गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वीक के गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो वीक गया है इस वीक में <coughs> तो देखिए ट्यूजडे के गेम में यहाँ पर देखिए सिक्सटी फोर का जोड़ी गेम बना था तो ट्यूजडे के गेम में स्ट्रॉन्ग सी गेम से सिक्स ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था उसके बाद देखिए थर्सडे के गेम में नाइन्टी वन का जोड़ी गेम बना था थर्सडे गे, के गेम में भी यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडि गेम से वन क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था उसके बाद देखिए फ्राइडे की फ्राइडे के गेम में नाइन्टी का जोड़ी गेम बना था फ्राइडे के गेम में भी यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिशी गेम से नाइन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था उसके बाद देखिए सैटरडे के गेम में 18 का जोड़ी गेम बना था सैटरडे के गेम में भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओडी गेम से वन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था और अगर उससे पहले वीक के गेम के बारे में बात करें उससे पहले वीक में यहाँ पर देखिए मंडे के गेम में एट्टी थ्री का जोड़ी गेम बना था तो मंडे के गेम में ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला था फ्राइडे के गेम में फोर्टी फाइव का जोड़ी गेम बना था फ्राइडे के गेम में भी क्लोज गेम में फाइव क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था सैटरडे के गेम में ट्वेंटी थ्री का जोड़ी गेम बना था सैटरडे के गेम में भी स्ट्रोंग ऑर्ड गेम से थ्री क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था अगर उससे पहले भी के गेम के बारे में बात करें उससे पहले वीक में यहाँ पर देखिए मंडे के गेम में एट्टी का जोड़ी गेम बना था तो मंडे के गेम में स्ट्रॉग ओड्स गेम से एट ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था ट्यूजडे के गेम में जीरो सेवन का जोड़ी गेम बना था ट्यूजडे के गेम में भी स्ट्रॉन्ग ओड्स गेम से सेवन क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था वेटनेसडे के गेम में फिफ्टी फोर का जोड़ी गेम बना था वेटनेसडे के गेम में भी ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला था फ्राइडे के गेम में सिक्सटी का जोड़ी गेम बना था फ्राइडे के गेम में भी ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला था सैटरडे के गेम में एट्टीन का जोड़ी गेम मिला था सैटरडे के गेम में भी ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला था तो पहले वीक में यहाँ पर देखिए मंडे के गेम में भी स्ट्रॉग ऑडिशी गेम से गेम पास देखने को मिला था ट्यूजडे के गेम में भी स्ट्रॉग ऑडि गेम से क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था वेटनेसडे के गेम में भी ओपन टू क्लोज गेम मतलब कि जोड़ी गेम में ही गेम पास देखने को मिला था फ्राइडे के गेम में भी जोड़ी गेम में गेम पास देखने को मिला था सैटरडे के गेम में भी जोड़ी गेम में गेम पास देखने को मिला था उसका दूसरे वीक में यहाँ पर देखिए मंडे के गेम में भी जोड़ी गेम में गेम पास देखने को मिला था फ्राइडे के गेम में भी क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था सैटरडे के गेम में भी क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था उसके बाद तो इस वीक में जो वीक गया है इस वीक में यहाँ पर देखिए ट्यूजडे के गेम में भी स्ट्रॉन्ग ओट्स गेम से सिक्स ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था थर्सडे के गेम में भी स्ट्रॉग ओटिस गेम से वन क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला था फ्राइडे के गेम में भी स्ट्रॉन्ग ओटिस गेम से नाइन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था उसके बाद देखिए सैटरडे के गेम में भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑड गेम से वन ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला था <coughs> तो देखिए जो यहाँ पर गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया है अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन सब को इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं जो कि यहाँ पर छः तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो अभी यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे लाइन यहाँ पर चार तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे जो कि यहाँ पर चार तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे उसके बाद क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे मतलब कि तीन लाइन देखेंगे तीन लाइन देखेंगे तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर छः तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए टू थ्री सिक्स का अंक उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए एट्टीन का जोड़ी गेम उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए वन थ्री फोर का अंक तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे उसका थर्ड लाइन यहाँ पर क्लोज पैनल से देखेंगे तो देखिए लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए जो लाइन के बारे में बात करेंगे लाइन देखेंगे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लाइन को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे तो बाद में आप लोग बोलोगे कि कहाँ से क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए टू थ्री सिक्स का अंक तो टू और थ्री को जोड़ेंगे फाइव का अंक बनेगा उसके बाद थ्री और सिक्स को जोड़ेंगे नाइन का अंक बनेगा उसके बाद फाइव और नाइन को जोड़ेंगे फोर्टीन का अंक बनेगा उसके बाद वन और फोर को जोड़ेंगे फाइव का अंक बनेगा वन और फोर को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से थ्री का अंक बनेगा तो फर्स्ट uh, लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फाइव और थ्री का अंग देखने को मिला है तो लाइन uh, और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ जो कि फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए टू थ्री सिक्स का अंग तो टू और थ्री को जोड़ा फाइव का अंग बना उसका बाद थ्री और सिक्स को जोड़ा नाइन का अंग बना उसके बाद फाइव और नाइन को जोड़ा फोर्टीन का अंग बना उसके बाद वन और फोर को जोड़ा फाइव का अंग बना वन और फोर को माइनस किया तो यहाँ पर देखिए थ्री का अंग देखने को मिला है तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फाइव और थ्री कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर साइड uh, में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फाइव और थ्री कांग देखने को मिला है तो अभी सेकंड लाइन देखेंगे सेकंड लाइन यहाँ पर जोड़ी गेम से देखेंगे तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए एटीन का जोड़ी गेम तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए एट्टीन का जोड़ी गेम तो सबसे सब पहले यहाँ पर वन और एट को जोड़ देंगे वन और एट को जोड़ेंगे नाइन का अंग बनेगा उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए वन और एट को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सेवन का अंग बनेगा तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन का अंग देखने को मिला है तो सेकेंड लाइन जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए एट्टीन का जोड़ी गेम तो वन और एट को जोड़ा नाइन का अंग बना उसके बाद वन और एट को माइनस किया तो यहाँ पर देखिए सेवन का अंग देखने को मिला है तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन का अंक देखने को मिला है तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड uh, में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से <coughs> तो यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन का अंक देखने को मिला है तो अभी थर्ड लाइन देखेंगे थर्ड लाइन यहाँ पर क्लोज पैनल से देखेंगे तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए वन थ्री फोर का अंक तो वन और थ्री को जोड़ेंगे फोर का अंक बनेगा उसका बाद थ्री और फोर को जोड़ेंगे सेवन का अंक बनेगा उसके बाद फोर और सेवन को फिर से जोड़ देंगे फोर और सेवन को जोड़ेंगे एलेवन का अंक बनेगा उसके बाद वन और वन को जोड़ेंगे टू का अंक बनेगा वन और वन को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ज़ीरो का अंक बनेगा तो थर्ड लाइन में क्लोज़ पैनल से यहाँ पर देखिए टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए वन थ्री फोर अंक तो वन और थ्री को जोड़ा फोर का अंक बना उसका बाद थ्री और फोर को जोड़ा सेवन का अंक बना उसके बाद फोर और सेवन को जोड़ा एलेवन का अंक बना उसके बाद वन और वन को जोड़ा टू का अंक बना वन और वन को माइनस किया तो यहाँ पर देखिए जीरो अंक देखने को मिला है तो थर्ड uh, लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए टू और जीरो अंक देखने को मिला है तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए टू और जीरो कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फाइव और थ्री कांग देखने को मिला है उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गम से भी यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन कांग देखने को मिला है उसके बाद थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए टू और जीरो कांग देखने को मिला है तो अभी जो यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है तो ये तीनों लाइन पहला लाइन देखने को मिला है तो इनसे अभी यहाँ पर और एक लाइन देखेंगे उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में थीवरे 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 तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फाइव और थ्री का अंग देखने को मिला था तो फाइव और थ्री को फिर से जोड़ देंगे ठीक है तो फाइव और थ्री को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से एट कांग बनेगा उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन का अंग देखने को मिला था तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे सब पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से फाइव और थ्री का अंग देखने को मिला था तो फाइव और थ्री को जोड़ दिया था तो यहाँ पर देखिए एट का आंग देखने को मिला था वैसे यहाँ पर सेकंड लाइन में भी इसको जोड़ेंगे तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन का अंग देखने को मिला था तो नाइन और सेवन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए सिक्सटीन का अंग बनेगा वन और सिक्स का अंग तो वन और सिक्स को फिर से जोड़ देंगे वन और सिक्स को फिर से जोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट लाइन में सिर्फ एट का अंक देखने को मिला था तो इसलिए इसको कुछ भी नहीं किया था रहने दिया लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो यहाँ पर याँ ये वन और सिक्स का अंक देखने को मिला है वन और सिक्स को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सेवन का अंक बनेगा और वन और सिक्स को फिर सिर्फ जोड़ेंगे नहीं फिर से इसको माइनस कर देंगे तो वन और सिक्स को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फाइव का अंक बनेगा और सेवन और फाइव को फिर से अभी जोड़ देंगे तो, तो, तो सेवन और फाइव को फिर से अभी यहाँ पर जोड़ देंगे तो सेवन और फाइव को फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ट्वेल्व कांग बनेगा उसके बाद तो वन और टू को फिर से जोड़ देंगे क्योंकि टू कांग पहले से थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है तो वन और टू को फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए थ्री का बनेगा लेकिन देखिए थ्री का फैमिली एट कांग फर्स्ट फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से पहले से देखने को मिला है तो इसलिए जो यहाँ पर वन और टू को प्लस किया था तो यहाँ पर देखिए थ्री का देखने को मिला था तो वन और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से वन कांग बनेगा अभी थ्री और वन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर फोर का अंग बनेगा माइनस क्यों नहीं किया अगर थ्री और वन को फिर से माइनस करेंगे तो टू का अंग बनेगा लेकिन देखिए टू का अंग थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से पहले से देखने को मिला है तो इसलिए इसको माइनस नहीं किया है सिर्फ प्लस किया है ठीक है आ, उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में तो आप लोग मुझे लगता है कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा क्योंकि सेकंड लाइन में बार बार जोड़ा है और माइनस किया है क्यों किया है क्योंकि फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से टू का अंग भी पहले से देखने को मिला था और थ्री कांग देखने को मिला था लेकिन थ्री का फैमिली थर्ड फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से एट का अंग पहले से देखने को मिला तो इसलिए इसको दो बार करना पड़ा है उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए टू और जीरो का अंग देखने को मिला था तो जैसे कि आप लोगों को पता है जीरो का वैल्यू वन जीरो की जगह पर वन तो टू और वन को फिर से जोड़ देंगे तो टू और वन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से थ्री का अंग बनेगा देखिए सिर्फ थ्री कांग देखने को मिला है तो इसीलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे इसको यहाँ पर रहने देंगे तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए एट कांग देखने को मिला है उसके बाद सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए फोर का अंग देखने को मिला है उसके बाद थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए थ्री कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर और एक अंक देखेंगे और एक अंक क्या देखेंगे देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से एट का अंग देखने को मिला था और एट का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए थ्रिकांग देखने को मिला है तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए फोर का अंक देखने को मिला है तो फोर के फैमिली को और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर फोर का फैमिली नाइन का अंक तो अभी यहाँ पर इन सबको इरेस करके यहाँ पर गेम में देख लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ तो स्ट्रोंग उड़ी गेम में यहाँ पर देखिए एइट और नाइन का अंक देखने को मिला है उसके बाद नॉर्मल उड़ीस गेम में यहाँ पर देखिए थ्री और फोर का अंक देखने को मिला है तो गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर छः तारीख़ के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है तो आई होप कि आप लोगों को गेम अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को गेम अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ और जो हमने वीडियो की शुरुआत में गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के शुरुआत में जाके आप लोग देख सकते हैं जो गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया था तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद